हेलो गाइस, सेल्फ एजुकेशन के प्रोग्राम की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज के टॉपिक लिख रहे हैं जेल डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर पेपर सॉल्यूशन पार्ट है। पहला जनरल नॉलेज एंड नेक्स्ट जनरल हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेगा ट्राइब्स मेजरली फाउंड इन वेगा जाति जनजाति पाई जाती है। सिपरी झाबुआ धार सैडोल सीधी धार मंडला सैडोल बालाघाट सीधी झाबुआ बालाघाट। वेगा जनजातियाँ मंडला सैडोल बालाघाट में पाई जाती हैं। वेयर इज द रेलवे कोच फैक्ट्री इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ऑप्शन है बीना, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, विच रिलीजन इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश। कौन सा धर्म मध्य प्रदेश का राज्य प्रमुख धर्म है? मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट। मध्य प्रदेश का हिंदू धर्म राज्य प्रमुख धर्म है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम बायोमास। मध्य प्रदेश का कौन सा प्रथम जिला है जो बायोमास ऊर्जा से का उत्पादन करता है? ऑप्शन है बैतूल, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर। करेक्ट आंसर इज बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द ठाकुर रणमल सिंह स्टेडियम स्टेड। ठाकुर रणमल सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है इटारसी, रीवा, सतना, भोपाल। ठाकुर रणमल सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लोकवाणी प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकवाणी कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1998, 1999, 1997, 1992। करेक्ट आंसर इज 1999। नेक्स्ट, द लिटरेसी रेट एमंग द एससी इज। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 85%, 75%, 60%, 60.16%। करेक्ट आंसर इज 66.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलधारा वाटरफॉल इज सिचुएट ऑन विच रिवर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, ताप्ती, सिप्रा। करेक्ट आंसर इज कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी वॉज। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जहरी गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जारी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट था, थाइसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर ऑफ मध्य प्रदेश बिकेम द कंट्रीज थर्ड होम मिनिस्टर एंड देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ नेहरू कैबिनेट। मध्य प्रदेश के किस नेता को नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के तृतीय बाद में रक्षा मंत्री बनाया गया? ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी, रवि शंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काजू, द्वारका नाथ मिश्रा। मध्य प्रदेश सरकार के नेहरू के मंत्रिमंडल के भारत में तृतीय एवं रक्षा मंत्री बनाए जाने वाले कैलाश नाथ काजू थे। स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर,
महेश्वर इज फेमस। महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? सारी इंडस्ट्री, अहिल्या घाट, माँ मृत्युंजय रथ यात्रा और अब दबाव। महेश्वर सभी के लिए प्रसिद्ध है, सारी उद्योग, अहिल्या घाट, माँ मृत्युंजय रथ यात्रा के लिए सभी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर इज फेमस एज स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सा फूल मध्य प्रदेश के राजपुष्प के रूप में प्रसिद्ध है? रोज, वाइट लिली, मैरीगोल्ड, लोटस। वाइट लिली फूल मध्य प्रदेश के राज्य फूल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द चंडी देवी मेला चंडी देवी मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है सीधी, सैडोल, रीवा, सतना। चंडी देवी मेला सीधी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्लासिकल म्यूजिक, फॉर फिल्म डायरेक्शन, क्रिएटिव उर्दू राइटिंग एंड हिंदी लिटरेचर। इकबाल पुरस्कार रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, द एंशिएंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश दसपुर इज नाउ फेमस एज। मध्य प्रदेश की प्राचीन शहर दसपुर अब किस प्रदेश क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन भोपाल, झाबुआ, विदिशा, मंदसौर। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब मंदसौर के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल हिंदी, जनरल हिंदी पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डेडेस में अभिधेयार्थ का महत्व दिया जाता है। ऑप्शन मुहावरे, लोकगीत, वक्रों की व्यंग काव्य। लोकगीत में अभिधेयार्थ को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, अब तुम जाओ वाक्य है इच्छावाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। करेक्ट आंसर इज आज्ञावाचक। जब दो ध्वनि आपस में मिल जाती है तब वहाँ डेडेडेस होता है, समास होता है, संधि होती है, शब्द बनता है, वाक्य बनता है। करेक्ट आंसर इज संधि होती है। निम्न में से सही है, स्त्रोत 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 उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज स्त्रोत। अतजल गगरी जलकत जाए लक्यत का तात्पर्य है। जल से आधी भरी गगरी चलकती है। अधूरा ज्ञान रखने वाला ज़्यादा दिखावा करता है। प्रदर्शन अधिक सार की बात कम। आडवंडर युक्त व्यक्ति का बहुत वस्तु सारहीन होती है। करेक्ट आंसर इज अधूरा ज्ञान रखने वाला ज़्यादा दिखावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा का भाई आने वाला है। वाक्य है विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। करेक्ट आंसर इज विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सही वाक्य है ईश्वर के अनेकों नाम है, आपका भवदीय है, ग्राहक लापरवाही हो जाती है, आप इस पर विचार करें। करेक्ट आंसर इज आप इस पर विचार करें। जी, भवदीय शब्द प्रत्यय है या ई दी है। करेक्ट आंसर इज ई। मुहावरा डेडेस का भाषा शब्द है अरबी, फारसी, हिंदी, देसज। करेक्ट आंसर इज अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सही वाक्य है प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ की रचना की। प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ को बनाया। प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ का निर्माण की। प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ की सृष्टि की। करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ की रचना की। संकेतवाचक वाक्य से
किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं। इच्छा, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव लक्षित होता है। करेक्ट आंसर इज, एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य गलत है? अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, ईश्वर आपका भला करे, वह ग्रंथ हिंदी लिपि में, ओह तुम कल जाओगे। करेक्ट आंसर इज, वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडेडस का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है अलग नहीं? ऑप्शन है लोकोकित, मुहावरे, मुहावरे और लोकोकित उपसर्ग। करेक्ट आंसर इज लोक मुहावरे। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है अलग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है। आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, जोखिम उठाना, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, हिम्मत टूट जाना। करेक्ट आंसर इज शारीरिक कष्टों का अनुभव होना। थैंक यू।